हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग 12th क्लास की बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन करेंगे। इससे पहले हवाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर ली थी और फर्स्ट चैप्टर था इसका ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। और इस चैप्टर के दौरान अभी तक हमने ये देखा था कि किस प्रकार अर्ली सोसाइटीज़ के अंदर और किस प्रकार मोहनजोदारो और हरप्पन सिटीज़ के अंदर उन लोगों ने एग्रीकल्चर की शुरुआत करी थी और एग्रीकल्चर के साथ साथ ही कैसे धीरे धीरे करते सिटीज़ का फॉर्मेशन हुआ था। इससे पहले वाली क्लास में हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में हमने ये देखा कि किस प्रकार आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता रहा है। आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, जो कि है मोहनजोदारो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। इस टॉपिक में हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार अर्ली सोसाइटीज़ के अंदर मोहनजोदारो के अंदर पहली बार प्लान्ड अर्बन सेंटर की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग भी अपनी बुक्स अपने साथ में रखिए ताकि जैसे जैसे मैं आपको बताऊं आप इस बुक में उसको साथ में पढ़ भी सको। देखिए, जो अर्ली सिटीज़ फॉर्म की गई थी उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सिटी में से एक सिटी है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की खासियत यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान मोहनजोदारो एक ऐसी सिटी थी जिसमें हमें प्लान्ड अर्बन सेंटर देखने को मिलते हैं। उसमें हमें ये देखा गया है कि उसमें जो सिटी बनाया गया था मोहनजोदारो का, वो पूरी तरीके से प्लान्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग से सब काम किया गया है। वहाँ पर जो मकान बनाए गए थे उन मकान में ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, उन मकानों को प्लास्टर किया गया था, वहाँ पर ड्रेन्स बनाए गए थे और ड्रेन्स के साथ साथ ही वहाँ पर एग्रीकल्चर और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के अलावा और भी कई ऐसे दूसरे सेक्टर्स थे जो फ्लोरिश हुए। और इन सब की वजह से मोहनजोदारो और हरप्पा ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जिन्हें हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज देखिए मोहनजोदारो वाले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक्स में साथ साथ पढ़िए। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन की सिटीज़ और मोहनजोदारो को पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें अर्बन सेंटर्स देखने को मिले हैं। लेट अस लुक एट वंस अ सेंटर मोहनजोदारो मोर क्लोजली। ऑल्दो मोहनजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हरप्पा। बेसिकली हरप्पा के बाद में जो सबसे मेजर साइट हमें डिस्कवर में हुई थी वो थी मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो को पढ़ना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम उस वक्त के डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि उस वक्त का आर्किटेक्चर कैसे काम करता था, तो उसके लिए मोहनजोदारो एक बहुत अच्छी साइट है। नीचे डायग्राम में और देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि मोहनजोदारो का जो टाउन है वो बेसिकली दो पार्ट्स में बनाया गया था। एक तरफ है छोटा पार्ट जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है सिटाडेल और दूसरी तरफ है लोअर टाउन। तो आप देखिए उस वक्त के लोगों ने इतनी ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करी थी कि उन्होंने अपने इस मोहनजोदारो सिटी को दो पार्ट्स में डेवलप किया था। एक तरफ था छोटा सा पार्ट जिसे हमने नाम दिया है सिटाडेल। ये सिटाडेल थोड़ा सा हायर पोर्शन होता था, मतलब कि लैंड से कुछ ऊंचाई पर एक पोर्शन बनाया गया था जो साइज़ में छोटा होता था और इसे हम लोगों ने नाम दिया है सिटाडेल। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े साइज़ का पोर्शन होता था और ये लोअर होता था, यानी कि सिटाडेल ऊपर बनाया जाता था लैंड से और जो दूसरा वाला है वो लोअर टाउन कहलाता। एक है हायर टाउन और एक है लोअर टाउन। लोअर टाउन साइज़ में बहुत बड़ा होता था और जो सिटाडेल वाला पार्ट है वो साइज में छोटा होता था और हायर होता था। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है सिटाडेल, बेसिकली इसका मतलब होता है, सिटाडेल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जिसका यूज़ ज़्यादातर उस वक्त वार और बैटल के टाइम किया जाता था क्योंकि ये थोड़ी सी सेफ जगह मानी जाती थी। तो अगर मान लीजिए कहीं पर बैटल शुरू हो गया है तो लोग अपने आप को सेफली कवर करने के लिए, सेफ्टी के लिए लोअर टाउन को छोड़कर हायर टाउन में चले जाते थे। इस सिटाडेल के अंदर ये चारों तरफ से वॉल्ड होता था, ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर बना होता था, इसलिए युद्ध के टाइम ये अपेक्षाकृत सेफ माना जाता था। इसलिए सिटाडेल का यूज़ सेफ्टी के तौर पे किया जाता था। प्लस ऐसा माना जाता है कि सिटाडेल चूंकि एक हायर टाउन है वहाँ से हम लोग लोअर टाउन को पूरी नज़र रख सकते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सिटाडेल में बेसिकली हायर इम्पोर्टेंस के लोग रहा करते थे। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो रूलिंग क्लास उस वक्त थी, जो इम्पोर्टेंस के लोग थे,
वो लोग सिटाडेल के अंदर रहते थे, और जो आम जनता थी, जो कॉमन मैन थे, वो लोअर टाउन के अंदर रहा करते थे। जो हायर इम्पोर्टेंस के लोग हैं वो सिटाडेल में रहते हैं ताकि वो वहाँ से पूरा नज़र रख सकें लोअर टाउन के ऊपर, और जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, वो लोग लोअर टाउन में रहते थे। तो अब देखिए, सिटाडेल ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंस वाले लोग हैं वो हमेशा नंबर में कम होंगे, तो उनके लिए छोटी जगह की ज़रूरत थी, तो सिटाडेल। और जो लोअर टाउन है ये एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी। तो अब देखिए, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग क्या कहा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दिस एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रेस्पेक्टिवली। द सिटाडेल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। इट वॉज वॉल्ड विच मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। इस जो सिटाडेल है, चूंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनस रहते थे, यहाँ पर रूलिंग क्लास रहा करती थी, तो इसलिए इसको वॉल्ड स्ट्रक्चर के तौर पर रखा गया था, जबकि जो लोअर टाउन है उससे इसको बिल्कुल फिजिकली सेपरेट कर दिया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर मूव्ड रफली ए क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली जस्ट टू पुट द फाउंडेशंस इन प्लेस, इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 million person days। इसका मतलब है कि लोअर टाउन इतना बड़ा था कि अगर एक लेबरर वहां पर काम करे एक क्यूबिक मीटर अर्थ का, तो उसको ये पूरा का पूरा बनाने के लिए 4 million person days लगेंगे। इसका बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, राइटर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो मोहनजोदारो का लोअर टाउन है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया था। यहाँ पर कई सारी लेबरर ने दिन रात मिलकर काम किया था, तब जाकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि मोहनजोदारो के टाइम में भी हमारा आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा पावरफुल था, कितना ज़्यादा इसको वेल प्लानिंग के साथ में डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ की मेजर, मोहनजोदारो की जो मेजर सबसे खास फीचर थी वो ये थी कि यहाँ पर ड्रेन्स को बहुत प्रॉपरली ले आउट किया गया था। मोहनजोदारो जो वॉल्ड सिटी है, जो लोअर टाउन है, उस लोअर टाउन में हर एक स्ट्रीट के अंदर कई सारे मकान बने हुए थे, और इन सब मकानों से एक ड्रेन को निकाला गया था, और बाद में ये सारे के सारे ड्रेन आगे जाकर एक मेजर ड्रेन में मिलते थे। अगर मैं आपको पिक्चोरियल फॉर्म में इसको समझाना चाहूँ तो हम यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर मकान बने हुए हैं, तो इन सब मकानों से एक ड्रेन निकलती है, और बाद में ये ड्रेन एक रेक्टेंगल के फॉर्म में 90 डिग्रीज के ऊपर एक दूसरी बड़ी ड्रेन से जाकर मिल जाती है। तो ये एक प्रकार की प्लानिंग का ही नतीजा हो सकता है, जब इसको इतना प्रॉपरली प्लान किया गया हो कि हर एक घर से एक अलग ड्रेन निकलती है और ये सारी ड्रेन जाकर एक बड़ी ड्रेन में मिल जाती है, और ये जो बड़ी ड्रेन हमें मिली, इस ड्रेन के अंदर भी हमें मेन होल्स देखने को मिले। बेसिकली इन मेन होल्स की सहायता से हम यहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकते थे। मान लीजिए अगर कभी भी ड्रेन में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज होता है, तो उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए इन मेन होल्स के जरिए इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है मोहनजोदारो का, ये मोहनजोदारो का एक बहुत ही यूनिक फीचर है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी, एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इस टाउन का, कि उस ज़माने में इन्होंने इतनी प्रॉपरली प्लानिंग की थी कि हर एक मकान से एक सेपरेट ड्रेन निकले और सारी ड्रेन्स को आपस में 90 डिग्रीज पर एक दूसरी बड़ी ड्रेन से कनेक्ट कर दिया जाए। तो वो आप इसमें चैप्टर में देखिए क्या कहा गया है। One of the most distinctive feature of Harappan cities was the carefully planned drainage system. In fact, ऐसा drainage system उस वक्त अपने आप में पाया जाना is quite a unique feature. If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern. यहाँ पर जो भी मकान बनाए जाते थे वो सब एक grid pattern में बनाए जाते थे, intersecting at right angle. और ये सारी जो drains हैं एक दूसरे को right angle पर intersect करती हैं। It seemed that streets with drains were laid out first and then houses built along them. तो अगर इतना properly इसको plan किया गया, तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि सबसे पहले यहाँ पर drains को plan किया गया था, drains का structure layout करने के बाद में फिर मकानों को बनाया गया था। इसका मतलब है कि वो लोग drains को इतनी importance देते थे, इतना important characteristic मानते थे कि drainage का system properly plan किया गया था और उसके according उन्होंने बाद में मकान plan किए थे।
If domestic waste water had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along a street. ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें बाकी चीज़ आप डिटेल्स में खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेजर पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। मोहनजोदारो में जो हमें मकान मिले हैं, उन मकानों का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था, तो नीचे इन्होंने एक मैप दिया है जो कि आपको पॉइंटर के तौर पर मदद करेगा। देखिए, इन सब मकानों में जो हमें मोहनजोदारो के मकान मिले, इन सब मकानों की एक खासियत ये होती थी कि इन सब मकानों में एक कोर्टयार्ड होता था। एक कोर्टयार्ड के अराउंड रूम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, यानी कि हर मकान में, जिसे हम आम भाषा में आंगन या चौक कह सकते हैं, इस प्रकार का एक कोर्टयार्ड ज़रूर बनाया जाता था जो वहाँ का सबसे बड़ा स्पेस कवर करता था। और इस कोर्टयार्ड के अराउंड रूम्स को बनाया जाता था और हर एक मकान की एक प्रॉपर एंट्रेंस होती थी। और यहाँ पर एक और चीज़ है, एक बहुत नोटिसेबल फीचर है जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, फोर्थ थर्ड लाइन के अंदर। देखिए, The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. This is also interesting. What is also interesting is an apparent concern for privacy. There were no windows in the walls along the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior of the courtyard. और एक बहुत ही distinctive feature था यहाँ के मकानों का, और वो ये था कि हर मकान की जो entrance होती थी, उस entrance से पूरे घर का direct view नज़र नहीं आता था। एंट्रेंस को कुछ इस प्रकार से प्लान किया जाता था कि अगर कोई बाहर से एंट्रेंस के जरिए मकान में झांके तो उसको पूरे मकान का व्यू नहीं मिलता था, फर्स्ट पॉइंट। और एक पॉइंट यह है कि इस पूरे मकान की जितनी भी दीवारें थी ग्राउंड फ्लोर पर, उनमें से किसी भी दीवार में कोई प्रकार की विंडो नहीं रखी जाती थी। इसका मतलब यह है कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उस वक्त के लोग प्राइवेसी को लेकर एक काफ़ी बड़ा कंसर्न रखते थे। वो ये चाहते थे कि उन्हें उनकी प्राइवेसी मिले और बाहर से आने जाने वाले लोगों को घर के अंदर क्या चल रहा है बेसिकली ये देखने को ना मिले। तो फॉर दिस कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, कोई भी प्रकार की विंडोज नहीं होती थी वॉल्स के अंदर। एंड सेकंड पॉइंट, कोई भी डायरेक्ट व्यू घर के इंटीरियर का बाहर से नहीं मिलता था। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब घरों को बहुत ही प्रॉपरली प्लान्ड किया जाए। अगर इम्प्रॉम्प्टू कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन को बिना सोचे समझे प्लानिंग से करते हैं, तो इतने फीचर्स देखने को नहीं मिल सकते थे। तो इसका मतलब है कि उस वक्त का जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरी हाउस हैड इट्स ओवन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल्स एंड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। यानी कि हर घर में एक बाथरूम होता था, हर घर का अपना एक बाथरूम, और उस बाथरूम में से जो भी पानी वेस्ट के तौर पर निकलता था वो सब एक ड्रेन से कनेक्ट होता था। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है, सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस टू रीच ए सेकेंड स्टोरी ऑफ द हाउस। ज़्यादातर मकान ग्राउंड लेवल पे होते थे, उसके अलावा कई ऐसे मकान थे जिनमें ग्राउंड लेवल के ऊपर स्टोरीज भी थी, और फर्स्ट स्टोरी पे जाने के लिए एक स्टेयर केस भी हमें देखने को मिली है। मैनी हाउसेज हैड वेल्स ऑफन इन ए रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज बाय पासर्स बाय। और इन मकानों में से कई मकानों में हमें कुएं यानी कि वेल्स भी मिले हैं। और ये जो वेल्स वाला जो रूम होता था, ये रूम कुछ इस प्रकार डिजाइन किया जाता था कि जो बाहर से पासर बाय है, जो मकान के पास से गुजर रहा है, अगर वो चाहे तो भी उस रूम में एंटर कर सकता है। यानी कि ये जो वेल्स डिजाइन किए गए थे, ये वेल्स कॉमन यूज के लिए हो सकते थे, या फिर हो सकता है कई घरों में से कुछ घर में वेल्स बनाए जाते थे ताकि आसपास के सब घर वाले उन वेल्स का यूज कर सके पानी को निकालने के लिए। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वॉज अबाउट 700, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो 700 के आसपास वेल्स कंस्ट्रक्टेड थे उस जमाने में। तो देखिए, शुरुआत में लोग नदी के किनारे रहा करते थे, रिवर्स के बैंक्स पे रहा करते थे, उन्हें पानी की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब से सिटीज़ को प्लान किया जाने लगा, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि वाटर की उनके पास में अवेबिलिटी रहे। तो वाटर की अवेबिलिटी के लिए उन लोगों ने वेल्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था। और मोहनजोदारो के मकानों में ज़्यादातर
मकानों में, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि कई ऐसे मकान थे जिनमें वेल्स हमें देखने को मिले हैं। इसका मतलब कि लोग उस वक्त भी पानी की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी को लेके कंसर्न रखते थे, इसलिए वो वेल्स डिज़ाइन करते थे। और कुछ ऐसे मकान थे जिनमें अपना खुद का प्राइवेट वेल होता था, लेकिन कई ऐसे मकानों के ग्रुप थे जिनके बीच में एक वेल होता था ताकि वो सब लोग यूज़ ले पाएँ, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो नीचे डायग्राम दिया गया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि उस वक्त के मकानों का आर्किटेक्चर किस तरह का हुआ करता था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं द सिटाडेल की। अभी हमने डिस्कस किया कि लोअर टाउन के अंदर ज़्यादा मकान बनाए जाते थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग, कॉमन पीपल रहा करते थे। इसके अलावा जो हायर टाउन है, जो ज़मीन के ऊपर थोड़ी सी ऊँचाई पर बनाया जाता था, ये अपेक्षाकृत रिलेटिवली एक छोटा पार्ट था, जिसे नाम दिया गया था द सिटाडेल। सिटाडेल के अंदर ऐसा माना जाता है कि रूलिंग क्लास या फिर कोई इंपॉर्टेंट लोग रहा करते थे। तो देखिए उसके लिए कहा गया है, इट इज ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। हमें कई प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर्स सिटाडेल में देखने को मिले हैं, जो आम कॉमन नीचे जो लोअर टाउन में जो बनाए गए मकान थे उनमें वो स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा सरमाइज कर रहे हैं कि सिटाडेल में जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते थे, स्पेशल पर्पस पर, स्पेशल ओकेजन पे उनका यूज किया जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ पर एक वेयर हाउस देखने को मिला, जो कि एक मैसिव, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग वेयर हाउस की तरह यूज़ किया करते थे। उस ज़माने के लोग वेयर हाउस की तरह यूज़ किया करते थे, और ये सब लोगों के लिए एक प्रकार की कॉमन फैसिलिटी हो सकता था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ बेसिकली एक बड़े स्विमिंग पूल की तरह का स्ट्रक्चर है, जो मोहनजोदारो में हमें देखने को मिला, बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है। वहाँ की सिटाडेल में हमें द ग्रेट बाथ मिला, बेसिकली एक बड़ा स्विमिंग पूल है, हमने इसको नाम दे दिया द ग्रेट बाथ। और इस स्विमिंग पूल की खासियत ये होती थी क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया में कंस्ट्रक्ट किया जाता था और इसे कम्प्लीटली वाटर प्रूफ रखा जाता था। इसका मतलब इस स्विमिंग पूल में अगर पानी डाला जा रहा है और लोग इसमें बैदिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो पानी वहाँ पर स्टोर रहना चाहिए, इसलिए उसे वाटर प्रूफ बनाया जाता था। इसमें इसने आगे दिया भी है कि कई प्रकार के मोर्टार ऑफ जिप्सम की यूज से वो इसे वाटर टाइट बनाते थे। इसके अलावा ये जो द ग्रेट बाथ है, इस ग्रेट बाथ के दोनों तरफ स्टेयर केस थे इस ग्रेट बाथ में नीचे उतरने के लिए, और इसके अराउंड रूम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। प्रोबेबली वो इसे चेंजिंग रूम की तरह यूज किया करते थे। और इसी ग्रेट बाथ के थोड़ी सी दूरी पर एक वेल भी हमें मिला। हम ऐसा करते हैं कि शायद इसी वेल से पानी को ड्रॉ आउट करके, इसी वेल से पानी को निकाल कर ग्रेट बाथ में भरा जाता था, और बाद में जब इसको यूज़ ले लिया जाता था तो ये जो पानी वेस्ट हो जाता था, इस वेस्ट वाटर को वहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए भी एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। तो बेसिकली इसका यूज़ स्विमिंग पूल की तरह किया जाता था, और बाद में इसी पानी को, देखिए वेल से पानी निकालकर इसमें मैन्युअली डाला जाता था, लेकिन यहाँ से वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए मैन्युअली नहीं, बल्कि इसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो उस ड्रेनेज सिस्टम में से इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। अगेन जब इसका यूज़ लिया जाना होता था तो वेल्स से वापस पानी निकाल कर इनमें डाला जाता था। तो बेसिकली ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम उन्होंने बना के रखा था, और हम ऐसा मानते हैं कि इस ग्रेट बाथ का यूज़ उस वक्त के जो इम्पोर्टेंट लोग थे, रूलिंग क्लास थी, वो इसका यूज़ किया करती थी। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि कई स्पेशल ओकेजन्स पर सभी लोग इसका यूज़ किया करते थे। तो ये चीज़ यहाँ की सिटाडेल की खासियत थी, द ग्रेट बाथ प्लस यहाँ का एक मैसिव स्ट्रक्चर जिसे हम वेयर हाउस की तरह इसमें यूज़ करना बताया गया है। तो ये बेसिकली मोहनजोदारो का प्लान्ड अर्बन स्ट्रक्चर है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 9 पे उसमें दिया गया है ट्रेकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि उस वक्त का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो कैसे प्लान किया जाता था। अब हमें एक चीज़ ये समझनी है कि उस वक्त भी क्या सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे, क्या उस वक्त के लोगों में भी रिच क्लास और पुअर क्लास हुआ करती थी। क्योंकि अभी अभी तो नए सिटीज़ बनना शुरू हुए हैं, अर्बन डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है अगर हम ये डिस्कवर कर पाएँ कि क्या उस वक्त भी लोग अमीर और गरीब हुआ करते थे, क्या उस वक्त भी
रिच क्लास अपने आप को थोड़ा सा अलग रखती थी और पुअर क्लास अलग होती थी क्या? तो ये सोशल डिफरेंसेस अगर एग्जिस्ट करते थे तो उनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके बेस में हमें क्या समझ में आया वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बरियल्स की। बरियल्स का मतलब किसी भी व्यक्ति के मर जाने पर उसको जो दफन करने के लिए जो जगह बनाई जाती थी उसे बरियल सिस्टम कहते हैं। तो अगर उस वक्त के बरियल सिस्टम को स्टडी किया जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा देखने को मिला है कि आमतौर पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस उस वक्त होते थे। और जब हमने इसको जानने की कोशिश करी तो हमने बरियल्स के बेस पर इसको स्टडी किया कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बरी करने के लिए एक अलग स्ट्रक्चर बनाया गया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बरी करने के लिए को बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उस वक्त भी लोगों को सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते हुए बरी किया जाता था। इसका एक एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि इजिप्ट में हमें पिरामिड्स मिले और ये पिरामिड्स बेसिकली बरियल सिस्टम का ही एक पार्ट होते थे। उस वक्त इतने मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, पिरामिड्स जैसे बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते थे ताकि मरने के बाद वहाँ की रूलिंग क्लास को वहाँ पर दफनाया जा सके। अब ये पिरामिड्स आम लोगों के लिए नहीं होते थे, ये पिरामिड सिर्फ वहाँ के जो रूलर्स होते थे, जो वहाँ के किंग और क्वींस होते थे, उन लोगों के लिए बनाया जाता था। दैट इट्सेल्फ मींस कि वहाँ पे जो भी लोग इम्पोर्टेंस रखते थे उनको बरी करने के लिए, उनको दफनाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम बनाया जाता था। तो उसी बेस पर अगर मोहनजोदारो की बात की जाए तो हमें इजिप्ट की तरह पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर तो नहीं मिले, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चलता है कि उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे जब उनको बरी किया जाता था तो उनके साथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स भी दफना दिए जाते थे। जैसे कि हमें कई ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पर यह बताया गया है कि कुछ लोगों के मरने के बाद उनके साथ में पॉटरी, कुछ ऑर्नामेंट्स और कुछ यहाँ तक कि ज्वेलरी जैसी चीज़ें भी उनके साथ दफना दी जाती थी। तो इसका एक मतलब ये हो सकता है अगर किसी भी इंसान के मरने के बाद में अगर उसके यूज़ करने के लिए पॉटरी को भी उसके साथ में दफनाया जाता है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उस वक्त के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद में भी व्यक्ति को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और वॉट एल्स कैन बी द रीज़न, अगर आप किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसके साथ उसके यूज़ की ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है एक कॉपर मिरर, एक मिरर भी अगर उसके साथ में दफनाया जा रहा है, सो दैट मींस कि लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी उसको डेड बॉडी को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है या आफ्टर लाइफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट्स भी उनके साथ दफनाए जाते थे। हम एक बात और एज्यूम कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी उस वक्त मरती थी तो ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह उन्हीं के लिए उनके साथ में बरी किए जाते थे। आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के मरने के बाद में इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हमें सबके साथ नहीं मिले हैं देखने के लिए, तो हम ये मान सकते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले लोगों के साथ इनको बरी किया जाता था। तो वो आप इस पढ़ सकते हैं, बेसिकली हरप्पन सिविलाइजेशन का ही कंटेम्प्रेरी आप पिरामिड्स को मान सकते हैं। तो एक तरफ जहाँ इजिप्ट में पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मोहनजोदारो में ऐसे बड़े स्ट्रक्चर तो नहीं हैं लेकिन कई ऐसी ग्रेव्स थी जिन ग्रेव्स में हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स डेड बॉडी के साथ में बरी करने के एविडेंस मिले हैं। तो उस बेस पर हमने अपना ये एजम्पशन रखा है कि उस वक्त भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे और जो ज़्यादा सोशली इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे उनके लिए इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता था कि उनके साथ में कोई प्रकार का कॉमन मिरर या फिर ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी को भी उनके साथ में बरी किया जाए। वो आप इस पैराग्राफ में पढ़ लेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं लुकिंग फॉर लग्जरीज, उस वक्त भी क्या लोग लग्जरीज करते थे। अगर हमें ये जानना है कि क्या उस वक्त के लोगों में रिच क्लास और पुअर क्लास अलग होती थी तो हम इसका सबूत इस बात से जुटा सकते हैं, हम एविडेंस यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं कि हमें उस वक्त कई लग्जूरियस आइटम्स भी मिले थे। अगर आपको लग्जूरियस आइटम्स मिलते हैं एक्सकवेशन में सो दैट मीन्स कि वहाँ पर लग्जरी आइटम्स या ऑर्नामेंट्स यूज़ किए जाते थे, और अगर ऑर्नामेंट्स और लग्जरी आइटम्स हमें देखने को मिलते हैं सो दैट मींस कि उस वक्त रिच क्लास भी हुआ करती थी। तो देखिए यहां पर ये सारी चीजें लिखी गई हैं, हमें देखिए आम तौर पर उस वक्त के लोग डेली यूज के अंदर स्टोन और क्ले के ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे, लेकिन हमें कई ऐसे घर थे जहां पर क्वेंट्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश, रबर्स वगैरह ऐसी कई चीज़ें भी मिली हैं जो उस वक्त महंगी मेटल्स की बनी हुई थी। बेसिकली एक मेटल होता है जिसका इन्होंने यहाँ पर नाम दिया है फायंस।
तो ये जो फायांस था, इस फायांस, ये एक प्रकार का मेटल होता है जिसको सैंड और क्ले के मिक्सचर से बनाया जाता था। इसमें गम डाल के इसको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से बनाया जाता था और ये थोड़ा सा रेयर और कॉस्टली होता था बाकी सैंड और स्टोन और क्ले के बने मेटल से। तो फायांस से जो भी आइटम्स बनते थे ये थोड़े से लग्जरी आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में फायांस का बना हुआ एक पॉट दिखाया गया है। तो हमें फायांस के भी इस प्रकार के रेयर मटेरियल्स वहाँ मिले हैं, हमें कई प्रकार के स्पिंडल होल्स वहाँ पर मिले हैं जो इस मटेरियल के बने से। तो दैट मीन्स हमें इसके अलावा कई परफ्यूम बॉटल्स भी वहाँ पर मिली है। तो हम एक बात एज्यूम कर सकते हैं कि उस वक्त भी कोई ऐसी क्लास थी जो इन लग्जरी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करती थी। दैट मीन्स कि उस वक्त लोग इतने ज़्यादा जागरूक थे कि वो एक पर्टिकुलर क्लास से खुद को बिलोंग करना चाहते थे, वो एक क्लास से खुद को रिलेट करते थे, इसलिए वो लग्जरी आइटम्स यूज़ करते थे। सो दैट मीन्स हम ये एज्यूम कर सकते हैं कंफर्टेबली कि उस वक्त भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस सोसाइटी में होते थे, इसीलिए कुछ लोग तो थे जो लग्जरी आइटम्स यूज़ करते थे और कुछ लोग कॉमन मटेरियल के बने आइटम्स यूज़ करते थे। तो ये आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट है क्राफ्ट प्रोडक्शन, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने ये देखा कि किस प्रकार मोहनजोदारो में अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए और किस प्रकार उस वक्त सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस सोसाइटी में हो सकते थे, उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।